सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फंटूश फुल ऑफ फन को, और सारी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए। नमस्कार दोस्तों, फंटूश फुल ऑफ फन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ओप्पो ने लॉन्च कर दिया है अपना सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन फाइंड एक्स। तो आइए चलिए देखते हैं क्या खास बात है इस ओप्पो के नए स्मार्टफोन के अंदर। भाई ओप्पो ने तो इस बार कमाल ही कर दिया है। ओप्पो ने बहुत ही बढ़िया और यूनिक लुक दिया है अपने फ्लैगशिप फाइंड एक्स को। यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.42 इंच की एमोलेड डिस्प्ले दी गई जो कि सैमसंग ने बनाया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इसके डिस्प्ले की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। और ये 3D ग्लास है जो कि साइड से कर्व होता है। जैसे आपने S8 और S9 में देखा होगा, साइड में ग्लास कर्व्ड होता है, और कुछ उसी तरीके से इसमें भी ग्लास कर्व्ड दिया है और बैक साइड में भी ग्लास का यूज किया गया है जो कि कर्व्ड है। तो पूरे फोन की ग्रिपिंग और हैंड फीलिंग बहुत ही बढ़िया आने वाली है। फ्रंट और बैक दोनों साइड पे गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, और इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 93.8 दिया गया है। इस डिस्प्ले पे ना कोई नॉच है और ना ही बीजल्स है। तो आप फोन को देखोगे तो कहोगे कि इसका सेंसर कहाँ पर है, कैमरा कहाँ पर है, बटन्स कहाँ पर है, क्योंकि इसके अंदर पूरे का पूरा डिस्प्ले ही गया। दोस्तों इसके अंदर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845 यूज किया गया जो कि मोस्ट पावरफुल चिपसेट है। इसके अंदर आपको 8GB ऑफ रैम मिल रही है और 256GB इंटरनल स्टोरेज यूज करने मिल रही है। और लैम्बोगिनी स्पेशल एडिशन के अंदर आपको 512GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। तो दोस्तों जैसे कि हमने बात की कैमरा कहाँ पर है, तो दोस्तों ओप्पो ने इसके अंदर एक स्लाइडिंग मैकेनिज्म दिया है। तो जो कैमरा और सेंसर है वो स्लाइड होके बाहर आएगा जब भी आपको कैमरा यूज करना है या फेस अनलॉक यूज करना है, जिसका ओपनिंग टाइम रहेगा 0.5 सेकंड जो कि काफी फास्ट है। दोस्तों कैमरा की बात करें तो फ्रंट में आपको मिल रहा है 25 मेगापिक्सल AI सेल्फी कैमरा। इसके साथ में आपको 3D सेंसर मिल रहे हैं फेस अनलॉक के लिए, जिसे आपने पहले आईफोन 10 में देखा। और ओप्पो का कहना है कि उनका फेस रिकॉग्निशन सेंसर 20 टाइम्स ज़्यादा सिक्योर है फिंगरप्रिंट सेंसर के मुकाबले, और वो लो लाइट कंडीशन में भी अच्छे से वर्क कर। इसमें आपको इमोजी का सपोर्ट मिल रहा है, तो आप अपने फेस के हिसाब से इमोजीज क्रिएट करके कोई भी चैटिंग एप्लीकेशन में यूज़ करो। दोस्तों रियर कैमरा की बात करें तो इसमें आपको दो कैमरास मिल रहे हैं, एक 16 मेगापिक्सल और दूसरा 20 मेगापिक्सल। यहाँ पे भी आपको AI का सपोर्ट मिल रहा है और AI के साथ साथ सीन रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। दोस्तों इसकी जो बैटरी है 3730 mAh की बैटरी दी गई है। इसके अंदर आपको वूक फास्ट चार्ज की टेक्नोलॉजी मिल रही है। ओप्पो का कहना है कि 15 मिनट में आपका फोन 2500 mAh तक की बैटरी चार्ज कर लेगा जो कि बहुत ही फास्ट है। और दोस्तों लैम्बोगिनी एडिशन में सुपर वूक चार्जिंग दिया हुआ है जिसकी मदद से आपका पूरा फ़ोन 30 मिनट में चार्ज हो जाए। साथ ही उनका कहना है कि आपके फ़ोन में कभी हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आई। दोस्तों यहाँ पे मैं OS की बात करूँ तो आपको कलर OS 5.1 मिल रहा है जो कि एंड्रॉइड ओरियो 8.1 के बेस पे है। दोस्तों AI के बारे में हम पहले भी पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड में आपको वीडियो पॉपअप मिल जाएगा। और दोस्तों प्राइसिंग की बात करें तो इसकी जो प्राइस है 999 यूरोस की है जो कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 79,000 रुपीज़ है। और स्पेशल एडिशन के अंदर 1,699 यूरोस है जो कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 1,34,000 रुपये हो जाते हैं। तो ये प्राइसिंग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी इंडिया में इसका लॉन्च बाकी है जो कि 12 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। हमारा मानना है इंडियन वेरिएंट में इसका प्राइस 45,000 से 50,000 तक रहेगा। तो देखते हैं आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है इंडिया में इसकी प्राइसिंग क्या रहनी चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और आपको इसका कौन सा फीचर अच्छा लगा है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। मुझे तो इसका स्लाइडिंग मैकेनिज्म बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों ये तो मेरा मानना था, आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना ना भूले, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही किसी वीडियो में, अब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।